नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर दहशत का माहौल है। कोरोना वायरस के डर से कई लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया है। लोग कहीं आने जाने से भी डर रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस कोरोना से सब इतना डरे हुए हैं, उसी वायरस के पॉजिटिव मरीजों का क्या हाल होगा और लोगों पर क्या बीत रही होगी जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं? उनके शरीर में कैसा दर्द होता होगा, उनको क्या क्या तकलीफ होती होंगी, वाकई में यह सोचकर भी रूह कांपने लग जाती है। आज हम आपको कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज की आप बीती बताने जा रहे हैं, जिन्होंने खुद बताया है कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ, उनके शरीर में किस किस तरह के बदलाव देखने को मिले। खुद के साथ गुजरने वाली हर बात को शेयर किया है स्पेन के डॉक्टर येल तुंग चेन ने। 35 साल के डॉक्टर येल चेन जब कोरोना से पॉजिटिव पाए गए थे, तभी से वो अपने शरीर में होने वाले बदलाव के अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। दरअसल चेन कोरोना के मरीजों का इलाज करते वक्त इस वायरस की चपेट में आ गए, जिसके बाद उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया, ताकि लोगों को पता चल सके कि कोरोना होने पर क्या क्या होता है। चेन ने इसके लिए अपनी अल्ट्रासाउंड स्कैन को भी शेयर किया। पहला दिन कोरोना की चपेट में आने के बाद डॉक्टर चेन ने पहले दिन का हाल बताते हुए लिखा कि गले में काफी खराश है, काफी तेज सिर में दर्द हो रहा है, सांस सूखती जा रही है। हालांकि सांस लेने में उतनी तकलीफ नहीं हो रही है, फेफड़े अभी ठीक हैं, वहां पर संक्रमण नहीं हो पाया है। दूसरा दिन चेन ने दूसरे दिन अपना हाल बताते हुए लिखा कि भगवान की दया से गले में खराश और कफ में थोड़ी कमी आई है, कफ और सिर दर्द में भी कमी है, सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द जैसी शिकायत भी नहीं हो रही है। तीसरा दिन डॉक्टर चेन ने तीसरे दिन की जानकारी देते हुए ट्वीट किया और लिखा कि अभी तक गले में खराश और सिरदर्द नहीं है, कल कफ वाला दिन था, अभी तक सांस लेने में तकलीफ या सीने में दर्द नहीं है, डायरिया शुरू हो गया है, खुशी की बात है कि कफ में कमी आई है। चौथा दिन डॉक्टर चेन ने चौथे दिन के बारे में बताते हुए कहा कि कफ बढ़ गया है, थकान भी महसूस होने लगी है, हालांकि सीने में दर्द नहीं है। स्पेन के डॉक्टर चेन को कोरोना का एहसास उस वक्त हुआ जब उन्हें अपने शरीर में थकावट महसूस हुई। वो कई दिनों से कोरोना पीड़ितों का इलाज कर रहे थे, इसीलिए उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि यह थकावट कोरोना का संक्रमण हो सकता है। इसके बाद वो किसी दूसरे शख्स के पास नहीं गए ताकि उनसे यह संक्रमण आगे ना बढ़े। एहतियात बरतते हुए उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे का भी कोरोना का टेस्ट करवाया और खुद को ठीक होने तक अलग थलग कर लिया। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो लगातार अपने परिवार को सारी जानकारी दे रहे हैं। उनकी इस कोशिश की काफी तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर उनकी डायरी को अब तक 70,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं।